वाह, मान गए छोटी दादी सासू माँ को। कैसे एक ही बार में सबको चारों खाने चित कर दिया। चुप चुप, जबान संभाल कर। ना तो तुम समय देखती हो और ना ही संजो, बस कुछ भी बोले चली जाती हो। एक बात कान खोलकर सुन लो सोना, भले ही तुमने शादी कर ली हो, साहिर के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हो, पर हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। बस मोटा भाभी, आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा सोना के खिलाफ, और ना ही सोना से इस तरह से बात करेंगी आप। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, उसमें सोना की गलती नहीं है। साहिर ने शादी की है, इस नाते सोना अब हमारे परिवार की बहू है। कोकिला, ये सब क्या बोले जा रही हो? कोकिला, मुझे क्या हो गया है? एक मिनट कोकिला, अभी कल ही तुमने इस लड़की को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया था, और आज अचानक ऐसा क्या बदल गया कोकिला? बदला कुछ नहीं है मोटा भाभी। कल जो हुआ उस स्थिति में यदि आप भी होती तो आपका भी हाथ उठ जाता, लेकिन आज जब ठंडे दिमाग से मैंने सोचा तो मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें सोना के साथ साथ साहिर भी शामिल था, तो इस नाते सोना हमारे परिवार की बहू हुई, तो हम में से किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हम सोना के साथ दुर्व्यवहार करें। और इस लड़की ने जो हमारे साथ किया, वो सब करने का इसे अधिकार है। भले ही तुमने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं इस लड़की को हमारे परिवार की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर सकती आप? जरा मैं भी तो सुनो। जब आप परिधि को अपनी बहू के रूप में स्वीकृति दे सकते हैं, तो सोना को क्यों नहीं? किस लहजे पे बात कर रही हो मुझसे कोकिला? आज तक तुमने मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की है। स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि आज उत्तरायण के शुभ दिवस पर सब कुछ भुलाकर सोना को दाम्पत्य जीवन की शुभ शुरुआत करें, ऐसा हमें आशीर्वाद देना चाहिए। सोना, उत्तरायण के आज शुभ दिवस पर तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत करती हूँ। उत्तरायण के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। तुम्हारा और साहिर का प्यार आसमान की ऊंचाइयों को छुए, और तुम दोनों के प्रेम का ये इंद्रधनुष हमेशा बना रहे, ऐसी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आशीर्वाद। कोकिला, 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 हमारी बात समझ। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन सबका दिल जीत कर दिखाऊंगी। अब छोटी दादी सासू माँ ने तो मुझे माफ कर दिया, अब आप अपना क्यों दिल दुखा रही हो? आप भी माफ कर दो ना। कोकिला ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी क्या दादी सासू माँ, आप कितनी जिद्दी हो। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने देखा है कि छोटी दादी सासू माँ के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन के रहते हो। कोकिला आपको तो मैं वैसे भी पटा लूंगी। बस सोना, जो मुंह में आप बकी जा रही हो। लेकिन साहिर, मैंने क्या गलत बोला है? और मीरा बहन, तुम क्यों रो रही हो? अभी तुमने देखा ना कि तुम्हारी दादी ने मुझे कैसे माफ कर दिया। देखना, एक दिन वो तुम्हें भी माफ कर देंगे। बस तुम चिंता मत करो, और हाँ, ये रोना बंद करो। अब देखना साहिर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब चुप हो जाओ। मीरू बेटा, यूं रोते नहीं, हम सब है ना तुम्हारे साथ। दादी विश्वास ही नहीं कर रही है। करेगी, कोकिला जरूर तुम पर विश्वास करेगी। बेटा उसे थोड़ा सा वक्त देते। बस मीरा, बस बस। जब आप परिधि को अपनी बहू के रूप में स्वीकृति दे सकते हैं, तो सोना को क्यों नहीं? शांत हो जा। प्लीज अब कहीं मत जाइए, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ मीरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देख, हम सब तेरे आसपास ही हैं। मीरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, तो प्लीज रोना बंद करो। मैंने खुद देखा है कि माँ जी कितनी चिंतित रहती हैं मीरा को लेकर। माँ, यहाँ तक कि मीरा के लिए तो उन्होंने गौरा के गर्दन पे छुरा भी रख दिया था। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पर माँ का जो आज बिहेवियर था, मुझे बहुत ऑड फील हुआ। मीरा, क्या तुम्हें अपनी माँ पे और मुझ पे भरोसा नहीं? तो फिर रोना मत करो। I'm sorry डैड, मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मैंने सबको बहुत हर्ट किया है ना। हेलो श्रवण बेटा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो मीरा कैसी है? जी माँ, वो बिल्कुल ठीक है। माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी खांसी है बस। बाजी भी घर पे नहीं है ना, तो अकेले अकेले जी घबरा रहा था, इसलिए फोन किया। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ ही देर में घर पहुँच रहा हूँ। क्या बात है श्रवण, घर में सब ठीक है ना? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना होगा। विद्या जी, आप मीरा जी के साथ रहिए। नहीं श्रवण, तुम अकेले नहीं जाओगे, विद्या भी तुम्हारे साथ जाएगी। विद्या, तुम्हारी सास को तुम्हारी जरूरत। एक मिनट विद्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नानी, आप क्यों? नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस घर में एक पल भी अब अकेले नहीं रहने दे सकती। गोपी दिकरा, मुझे माफ कर दे। मैंने जो वादा किया था तुझसे कि मैं तुम्हारी दोनों बेटियों की रक्षा करूंगी, पर मैं उसमें नापास हो गई। नहीं मामी जी, कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मोलू के समाचार सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो मैं वहां मीरा को ऐसे ही अकेले छोड़कर निकल गई। अगर मैं नहीं जाती तो आज ये सब नहीं होता। एक मिनट मामी जी, पहले एक बात बताइए कि आपको किसने खबर दी कि मोलू का अपहरण हो गया है? बोलिए ना मामी जी, आपको कैसे पता चला? मैंने बताया था ना। वो अब भाभी छोड़ो ना ये सब। अरे ये सब बातें बाद में करेंगे भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर आप उस दिन दोनों बच्चों के साथ होती तो शायद हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मेरी तो पति मारी गई थी कि मैं वहां मीरा को ऐसे अकेला छोड़कर निकल। मुझे माफ कर दो मीरा, गोपी मुझे माफ कर दो। नहीं नानी, ऐसा मत कहिए। हाँ मामी जी, अगर आपके जगह मैं या कोई भी होता तो हम भी यही करते। और वैसे भी ये किसने सोचा था कि आपकी गैर हाजिरी में मीरा के साथ ये सब कुछ होगा। कान्हा जी की कृपा से हमारी मीरा अब सुरक्षित है, इसलिए आप अपने आप को दोष मत दीजिए और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। मैंने डिसाइड कर लिया है, हम भी वहां पे नहीं रहेंगे। क्योंकि कल जो उस आदमी ने किया, उसके बाद मैं नहीं चाहता कि विद्या जी और मां वहां रहे। नहीं श्रवण, ये तुम क्या कह रहे हो? आवेश में आकर कोई फैसला मत लेना और अपने परिवार को छोड़ के चले जाना, ये सही बात नहीं। मेरी माँ के अलावा मेरा वहाँ पे कोई नहीं। श्रवण, ऐसा नहीं कहते हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया फैसला कभी भी सही साबित नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना। अपना ख्याल रखना माँ। दी का ख्याल रखना प्लीज। मैं विद्या को घर के बाहर तक छोड़ आती हूँ। मीरा, क्या हुआ बेटा? सर दुख रहा है? चल बैठ यहाँ, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।